खत्म करने से हर माह 2 अरब का नुकसान हो रहा है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर आप गलत टैक्स ले रहे हैं तो ये नुकसान नहीं, एक आदमी 100 रुपए का लोट लेता है और उसमें सूबे को रकम क्यों दी जाए। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं, अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा समाअत के दौरान और क्या इस्तफसार किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने? यानी से जेड टैक्स वसूली से मुतलिक केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सभा में सुप्रीम कोर्ट की रुकनी बेंच ने की है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में जो मोबाइल कंपनियों की जानिब गए तो पोस्ट पेड जो टैक्स जो चार्जेस वसूल किए जाते थे उनसे भी ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले प्री पेड फोन नंबर पर सर्विस चार्जेस टैक्स खत्म किया था, लेकिन आज की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट पेड पर भी सर्विस चार्जेस टैक्स खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कम ये मौकफ था कि ये सर्विस चार्जेस खत्म करने से पंजाब हुकूमत को हर माह 2 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ने का अपने रिमार्क में कहना था कि अगर आप गलत टैक्स ले रहे थे तो ये नुकसान नहीं है। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क दिए हैं, चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर एक आदमी 100 रुपए का जो लोड कराता है तो इसमें सुबह को क्यों रकम दी जाती है, इस मामले में कौन सी ऐसी सर्विस हैं जो कि सुबह दे रहा है ताकि इसके चार्जेस सुबह को मिले। चीफ जस्टिस ने मौके पर एक मिसाल ये भी दी कि अगर एक आदमी तंदूर से रोटी लेकर आता है ये मौका अगर सुबह ये कह दे कि वो रोटी खा रहा है तो इस पे भी टैक्स लगा दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और पंजाब ने जो है वो इस मामले पर अदालत से अबूरी जो मजीद मोहलत मांगी है, जिस पर अदालत ने अबूरी रिलीफ जारी रखने का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से अब इस केस की समाप्त को गैर महीना मुद्दत के लिए मंजूरी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह।